सुरीर के गांव जरारा में आयोजित खेल प्रतियोगिता में युवा प्रतिभागियों ने अपना हुनर पेश करते हुए प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए। सुरीर में आयोजित खेल कूद प्रतियोगिताओं में युवा ने अपना दमखम दिखाया। इन प्रतियोगिताओं में दौड़ भी आयोजित की गई, जिसमें ताल नगर के कालू 1600 मीटर में प्रथम रहे। वहीं टप्पल से विक्की द्वितीय और मिठोली से तोताराम तीसरे स्थान पर रहे। तो वहीं 400 मीटर की दौड़ में संदीप रनिहार प्रथम तो शिवम रनिहार दूसरे स्थान पर रहे। आयोजकों ने बताया कि कबड्डी प्रतियोगिता कल आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि दोनों तरह की दौड़ में क्षेत्र सहित आसपास के जनपदों से करीब 200 बच्चों ने भाग लिया है। कमेटी द्वारा विजेताओं को मेडल पहनाकर पुरस्कार राशि दी गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नव निर्माण सेना के सांसद प्रत्याशी विकास शर्मा ने युवाओं का हौसला बढ़ाया। साथ ही भारतीय किसान यूनियन और किसान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण पाल सिंह ने युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इस तरह की खेलकूद प्रतियोगिताएं बच्चों के विकास को सभी के सामने लाती हैं। ये खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है तहसील माट के गांव जरारा के पति नगरिया में। मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर किरण पाल सिंह यहाँ आज हमें जो बुलाया है, युवाओं में जो खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है, इसमें रेस 400 मीटर और 1000 मीटर की और कबड्डी, यहाँ खेलकूद प्रतियोगिता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आयोजक टीम को, जिन्होंने ये युवाओं का यहाँ मार्गदर्शन किया। और हमारी भारतीय किसान लोक शक्ति ऐसे सभी जो खेलकूद प्रतियोगिता कराते हैं उनको प्रोत्साहन देके उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। धन्यवाद। कहाँ आए, क्या प्रोग्राम चल रहा है? आज नंगला पाची गांव में आने का मौका मिला। यहाँ पे बहुत अच्छा एक आयोजन जो युवा साथियों की तरफ से आज हुआ था, उसमें बतौर अतिथि मेरे को आने का मौका मिला। इनसे भाइयों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा और इनका उत्साह देख के, जो इनका जोश देख के बड़ी खुशी हुई। मैं भविष्य में परमात्मा से कामना करता हूँ कि इनका भविष्य उज्ज्वल और ये ऐसे ही मेहनत करते रहे। देविका जी, आपका क्षेत्र में लगातार दौड़ना हो रहा है, कैसा प्यार मोहब्बत मिल रहा है आपको? देखिए, आज इसी प्यार के बदौलत आज यहाँ पे आने का मौका मिला और बड़ी खुशी भी हुई और बड़ा दुख भी है ये देख के भाई। आज जो मेरे साथी सड़कों पे जो है दौड़ लगा रहे हैं, इनके लिए देखिए किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई किसी भी तरीके की यहाँ सुविधा नहीं है। लेकिन मैं ये सरकार से भी और सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि इतने युवा साथी हैं, इनके अंदर इतना टैलेंट है, इतनी मतलब प्रतिभा है, उसके बावजूद भी ये सरकार और ये सब प्रशासन इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ये बहुत दुख की बात है। इसके विषय में सरकार को जरूर सोचना चाहिए ताकि जो यहाँ का युवा है, यहाँ के जो साथी हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो देश स्तर पर अपने क्षेत्र का और हमारे